Assalamu alaikum students of class 4, how are you all? I hope that all of you are fine and safe and are doing your work regularly. So student, जैसा कि आपको पता है हमने अपनी ग्रामर स्किल्स का यूनिट प्रोनाउन स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज नंबर ई और एक्सरसाइज नंबर एफ जो है वो पेज नंबर 19 से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज की डेट लगा लेंगे 24/3/21, ठीक है. चले तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर ई सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, हम इसको रीड करेंगे. तो ये क्या है, यू यूजुअली यूज़ ईच अदर. हम ईच अदर तब इस्तेमाल करते हैं इफ़ टू पीपल आर इन्वॉल्व, जब हम दो लोगों की बात कर रहे होते हैं, ठीक है. यानी दो लोगों के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ईच अदर एंड वन एंड अदर इफ मोर देन टू पीपल आर इन्वॉल्व. लेकिन अगर दो से ज़्यादा लोग आपस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम वन एंड अदर का यूज़ करते हैं, ठीक है. हाउ एवर दिस इज़न्ट अ स्ट्रिक्ट रूल, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा इसको फॉलो किया जाए. लेकिन कुछ सिचुएशन में हम वन एंड अदर की जगह पे ईच अदर यूज़ करते हैं, कुछ सिचुएशन में हम ईच अदर की जगह पे वन एंड अदर, ठीक है. लेकिन मेजॉरिटी में क्या होता है कि अगर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम ईच अदर यूज़ करते हैं, और अगर हम दो लोगों से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम वन एंड अदर का प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है. चलें अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव होते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद ईच अदर और वन एंड अदर. इन सेंटेंसेज को हमने ईच अदर और वन एंड अदर प्रोनाउन लगाकर जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है. पहला सेंटेंस है हमारा, सम चिल्ड्रन गॉट बोर्ड, कुछ बच्चे जो हैं वो बोर हो रहे हैं एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू डैश, और वो एक दूसरे के साथ बात करने लगे हैं. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे चिल्ड्रन बच्चे हैं, यानी कि ये दो नहीं हैं, दो से ज़्यादा. जब हम दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम क्या उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वन एंड अदर, ठीक है. क्योंकि बच्चे यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वन एंड अदर, ठीक है. नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स अराइव्ड फॉर द कैंप, बच्चे जो हैं वो कैंप के लिए आ गए हैं. एंड हेल्प डैश टू अनपैक, और एक दूसरे की मदद करने लगे हैं सामान को अनपैक करने के लिए. अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ना ज़्यादा हैं, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात करें. जैसे ऊपर चिल्ड्रन था, बच्चे था, हमें नहीं पता कितने, मीन दो से ज़्यादा थे. इसी तरीके से स्टूडेंट भी यहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है, दो से. तो इसके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वन एंड अदर. तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, द स्टूडेंट्स अराइव्ड फॉर द कैंप एंड हेल्प्ड वन एंड अदर टू अनपैक, ठीक है. उसके बाद है, प्लीज़ टर्न टू द नेक्स्ट पर्सन टू यू, अपने से नेक्स्ट पर्सन की तरफ घूम जाएं एंड एक्सचेंज योर बुक विद डैश, और अपनी बुक्स एक दूसरे के साथ तब्दील कर लें. अब देखें यहाँ पे आपकी और आपसे आगे बैठे हुए इंसान की बात की जा रही है, तो टोटल कितने लोग हो गए, एक आप और एक आपके साथ बैठा हुआ, आपसे आगे बैठा हुआ इंसान, दो हो गए. तो अगर हम दो लोगों की, टू यानी टू पीपल की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ईच अदर, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ईच अदर. तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, प्लीज़ टर्न टू द नेक्स्ट पर्सन टू यू एंड एक्सचेंज योर बुक्स विद ईच अदर, ठीक है. उसके बाद है, इफ़ यू ऑल कोऑपरेट, अगर आप सब ताबुन करें, कोऑपरेट करें विद डैश, द वर्क विल बी डन वेरी क्विकली, तो काम बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगा. इफ़ यू ऑल, यानी कि अगर आप सब, तो आप सब का मतलब है यहाँ पे दो से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इफ़ यू ऑल कोऑपरेट विद वन एंड अदर, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर सब लोगों की बात की जा रही है, इट्स मीन सब जो हैं वो दो से ज़्यादा ही होंगे, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, वन एंड अदर. उसके बाद है, जॉन एंड जेन स्टॉप टीजिंग डैश, जॉन एंड जेन एक दूसरे को तंग करना बंद करो. अब यहाँ पे देखें हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, एक है जॉन एक है जेन, दो लोग हैं. तो अगर दो लोगों की हम बात करें तो उसके साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ईच अदर, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट अपनी स्टेटमेंट देखें, द पपीज़ वर बाइटिंग डैश प्लेफुली, पपीज़. अब यहाँ पे देखें हम ज़्यादा पपीज़ की बात करें, कि पपीज़ जो हैं वो एक दूसरे को हंसी मजाक में काट रहे हैं. जब हम एक दो से ज़्यादा चीज़ों की, दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हमने कौन सा प्रोनाउन लगाना है, वन एंड अदर का, ठीक है. नेक्स्ट देखें, आफ्टर द बुश फायर, ठीक है.
झाड़ियों को आग लगने के बाद द पीपल हेल्प डैश टू रीबिल्ड देयर होम, लोगों ने एक दूसरे की मदद की घर को तमीर करने के लिए। अब पीपल है यानी कि लोग हैं, ठीक है, जैसे ऊपर चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स था ना ज़्यादा की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे देखिए पीपल हैं, लोग हैं, ज़्यादा हैं, तो अगर हम दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वन एंड अदर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वन एंड अदर, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, आफ्टर द बुश फायर द पीपल हैड वन एंड अदर टू रीबिल्ड देयर होम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर एफ है हमारी, यूज़ द पोजेसिव फॉर्म्स ईच अदर्स और वन एंड अदर्स टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्टूडेंट पोजेसिव फॉर्म कहते हैं जब हम किसी इंसान की किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, यानी ये चीज़ उसकी है, उसके लिए हम पोजेसिव यूज़ करते हैं। और पोजेसिव की निशानी क्या होती है कि प्रोनाउन के बाद कोमा और एस हम लिखते हैं, ठीक है। अगर तो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ कोमा एस आता है, अगर वो प्लूरल होता है तो सिंपल हम फिर उसके साथ कोमा लगाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अब कहा है कि आपने पोजेसिव फॉर्म लगानी है, अगेन ईच अदर्स, मतलब दो, अगर दो लोगों की बात हो रही है तो हमने ईच अदर्स लगाना है, अगर दो लोगों से ज़्यादा की बात हो रही है तो वन एंड अदर्स, ठीक है। उसके बाद है द ट्विन्स ऑफन बोरो डैश पेंसिल्स एंड पेंट्स। अब ट्विन्स दो बच्चों को कहते हैं ना जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ठीक है, जुड़वा बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से पेंसिल और पेंट्स जो हैं वो उधार लेते रहते हैं। अब क्योंकि हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो दो लोगों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ईच अदर्स, क्योंकि अब इसमें हमने पोजेसिव फॉर्म यूज़ करनी है तो हम कोमा और एस लगाएंगे, ठीक है। द ट्विन बोरोड ऑफन बोरोड ईच अदर्स पेंसिल्स एंड पेंट्स, ठीक है। उसके बाद है द विलेजर्स अप्रिशिएटेड डैश हेल्प। अब विलेजर्स यानी कि गांव वाले, मींस ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं कि गांव वालों ने एक दूसरे की मदद को सराहा या एक दूसरे की मदद करने की तारीफ़ की, ठीक है। अब विलेजर्स गांव वाले ज़्यादा हैं, मतलब दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, वन एंड अदर्स, ठीक है। और पोजेसिव फॉर्म है तो इसके साथ हमने कोमा और एस भी लगा देना है, ठीक है। उसके बाद है कांट द थ्री ऑफ यू अंडरस्टैंड द नीड टू लिसन डैश पॉइंट ऑफ व्यू। आप तीनों को ये बात समझ नहीं आ रही कि एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए। अब यहाँ पे देखें थ्री की बात हो रही है, ठीक है, तीन लोगों की बात हो रही है, मींस दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो अगर दो से ज़्यादा लोगों की हम बात करते हैं तो उसके साथ कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे, वन एंड अदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वन एंड अदर्स, पोजेसिव फॉर्म भी हमने साथ इसके मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी द टू फ्रेंड्स ऑफन यूज टू स्टे एट डैश हाउसेस। दो दोस्त हैं वो अक्सर एक दूसरे के घर जो है वो रह लेते हैं। अब यहाँ पे हम दो दोस्तों की यानी कि दो लोगों की बात कर रहे हैं तो दो लोगों के लिए हम कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ईच अदर, ठीक है, ईच अदर्स, ठीक है। उसके बाद है द टीम चीयर्ड डैश परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ एथलेटिक कार्निवल। जो टीम थी उन्होंने एथलेटिक के ख़त्म होने के बाद जो है वो बहुत ही जोश व खरोश से आवाज़ें निकाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम टीम्स की बात करें यानी कि ज़्यादा की, तो ज़्यादा के साथ हम क्या लगाते हैं, वन एंड अदर, ठीक है, वन एंड अदर्स। नेक्स्ट है लास्ट हमारा डिड यू एंड योर ब्रदर्स प्ले विद डैश टॉयज व्हेन यू वर स्मॉल। क्या तुम और तुम्हारे भाई जो है वो जब छोटे थे तो खिलौनों के साथ खेलते थे। अब यहाँ देखिए यू और योर ब्रदर्स यानी एक पर्सन ये हो गया और ब्रदर्स यानी कि भाई ज़्यादा, मीन ऐड करें तो दो से ज़्यादा हो गए ना लोग, ठीक है, यानी कि यहाँ दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। तो जब दो से ज़्यादा लोगों के लिए बात करते हैं तो हम कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे, वन एंड अदर्स, ठीक है, कोमा एस। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, डिड यू एंड योर ब्रदर्स प्ले विद वन एंड अदर्स विद टॉयज व्हेन यू वर स्मॉल। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर वी हैव कम्प्लीटेड आवर दिस चैप्टर। आई होप आपको इस चैप्टर की और इसकी एक्सरसाइजेस की समझ आई होगी। इसको नीटली अपनी ग्रामर स्किल पे सॉल्व करके लाजमी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।